से जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एटा से बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है कि एटा पहुंच गए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उनको एटा का कार्यक्रम था जाना था, सेतु निगम की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे यहां पर वो एटा में, और एटा के अंदर कुछ कार्यक्रमों को संबोधित भी करेंगे। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एटा पहुंचने की। जब एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सेतु निगम की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे अब से कुछ ही देर बाद, तो कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। डिप्टी सीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे और जिले में क्या स्थिति है बीजेपी की, 2022 को लेकर क्या रणनीति है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के घर भी जाएंगे मौर्य। तो पूरा कार्यक्रम आज रहेगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। एटा पहुंच गए हैं, एटा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, तो सेतु निगम की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। डिप्टी सीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जैन समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करने का भी कार्यक्रम है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के घर पर भी जाने का कार्यक्रम है मौर्य का। तो एटा पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मिली जानकारी के मुताबिक सेतु निगम की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जैन समाज के एक कार्यक्रम में भी जाएंगे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के घर भी जाएंगे मौर्य। तो सेतु निगम की परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी उनका रहेगा। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, केशव प्रसाद मौर्य अभी कहां पर हैं और किस कार्यक्रम में आप शिरकत करेंगे, क्या तस्वीरें रहेंगी आज? जी आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य जी आज एटा में का दौरा था, यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं ग्रीन गार्डन में, यहाँ पे डांस वगैरह करेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधे विधायकों के आवास पर जाएंगे, वहाँ विधायकों से मुलाकात वगैरह होगी, और उसके बाद यहाँ के हरनाथ सिंह यादव जी सांसद हैं वहाँ उनका जाना होगा। इनके कई कार्यक्रम हैं यहाँ पर, 3 जगह कार्यक्रम है और भी करेंगे यहाँ पर का। जी अच्छा, तमाम जो क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं जिला स्तर के, उनसे भी बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, उसका क्या कार्यक्रम है और कितने बजे तक रहेंगे यहाँ पर? कार्यकर्ताओं से संबोधित भी करेंगे यहाँ पर और पत्रकारों से संवाद करेंगे यहाँ पर, प्रेस वार्ता भी करेंगे और जो पदाधिकारी यहाँ उनके साथ बैठक भी करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।